नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो के पांच क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर हैं और पांच क्वेश्चन है बॉयलर के ऊपर और ये क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं तो आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है टू लाइक और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल जीके स्टडी दुनिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप पम्प में कितनी प्रकार के हेड काउंट किए जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप पम्प में चार तरह के हेड को काउंट किया जाता है सबसे पहले है सक्शन हेड सेकेंड पे है डिलीवरी हेड नंबर थ्री पे है स्टैटिक हेड और नंबर फोर्थ पे है मैनोमेट्रिक हेड क्वेश्चन नंबर टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केसिंग यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पम्प सेंट्री पम्प में कौन कौन सी प्रकार की केसिंग का यूज किया जाता है दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप में तीन प्रकार की केसिंग का यूज किया जाता है नंबर एक पे है वॉल्यूट नंबर सेकंड पे है वोटेक्स और नंबर थ्री पे है डिफ्यूजर केसिंग और सबसे कॉमन केसिंग जो यूज़ की जाती है वो है वोल्यूट टाइप क्वेश्चन नंबर थ्री पैरल सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर डैश दोस्तों पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो इनमें से किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हाई फ्लोरेट के लिए क्वेश्चन नंबर फोर फुटवाल एंड स्टेनर इज यूज इन डैश लाइन दोस्तों फुटवाल और स्टेनर का यूज सेंट्री फ्यूगल पम्प की किस लाइन में किया जाता है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है दोस्तों तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सक्शन लाइन क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंपेलर यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने प्रकार के इंपेलर का यूज किया जाता है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच डिवाइस इज यूज फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इनमें से कौन सा डिवाइस स्टीम का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुपर हीटर क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द लार्जेस्ट लॉस इन बॉयलर बॉयलर पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट लॉस किसे माना जाता है दोस्तों तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हीट लॉस इन फ्लू गैसेस यानी अगर हम फ्लू गैसेस की हीट का अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो लॉस है वो सबसे बड़ा माना जाता है बॉयलर पे क्वेश्चन नंबर एट वाई वी इंसुलेट द स्टीम पाइप्स स्टीम पाइप्स को इंसुलेट क्यों किया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूस हीट लॉस इंसुलेट स्टीम पाइप को इसलिए किया जाता है ताकि जो स्टीम की हीट एनर्जी है उसका लोस कम से कम हो सके और स्टीम का टेम्परेचर स्टेबल रहे वो जल्दी कंडेंस ना हो क्वेश्चन नंबर नाइन विच मटेरियल इज यूज टू मेक बॉयलर ट्यूब्स बॉयलर ट्यूब्स इनमें से किस मेटल की बनी होती हैं दोस्तों तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कास्ट स्टील क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएच इन बॉयलर वाटर और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोटल हार्डनेस टीएच को यूज किया जाता है टोटल हार्डनेस के लिए तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग